को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजातरीन खबरें। पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में कोविड 19 के कुल 65 नए मरीज सामने आने से अब यह संख्या 1194 हो गई है। वर्तमान में पनवेल महानगर पालिका में कोरोना के कुल 329 मरीज हैं, तो वहीं अब तक 812 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जिस क्षेत्र में नए मरीज सामने आए हैं वे इस प्रकार है। कलम्बोली सेक्टर 3E KL6 स्थित 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। पनवेल रेलवे स्टेशन रोड नवनाथ नगर झोपड़पट्टी स्थित 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। खांदा कॉलोनी सेक्टर 1 PL5 इमारत क्रमांक 4 स्थित 37 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। खांदा कॉलोनी सेक्टर 7 रो हाउस नंबर 30 स्थित 32 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। कामोठे सेक्टर 9 गुरु कृपा सोसाइटी स्थित 28 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। नावड़े वड़ौली हनुमान मंदिर के पास 60 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। पनवेल आयशा विला बंदर रोड स्थित 48 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। न्यू पनवेल सेक्टर 7 आदर्श सोसाइटी स्थित 53 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। कामोठे सेक्टर 6A साईराज अपार्टमेंट स्थित 57 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। पनवेल MCCH श्रीनाथ जी सोसाइटी स्थित 32 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। पनवेल कोलीवाड़ा शिवशंकर मंदिर के पास 35 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। खांदा कॉलोनी सेक्टर 1 PL5 बिल्डिंग क्रमांक 14 स्थित 10 वर्षीय एक लड़का पॉजिटिव पाया गया है। तलोजा पांचनंद रोहिंजन स्थित 22 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है। पनवेल MCCH अंजलि प्लाजा स्थित 40 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है। कलम्बोली पार्क नेस्ट सोसाइटी अपार्टमेंट स्थित 32 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। कामोठे सेक्टर 36 श्री शंकर हाइट स्थित 39 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। कामोठे सेक्टर 34 शिव आशीष सोसाइटी स्थित 58 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। खारघर सेक्टर 15 प्रजापति सोसाइटी स्थित एक ही परिवार के 3 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। पनवेल MTNL साई प्लाजा सोसाइटी स्थित 29 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। खारघर स्वप्नपूर्ति सोसाइटी स्थित 34 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है। पनवेल तिलक रोड वसंत अर्पित सोसाइटी स्थित 34 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है। पनवेल भिंगारी कांदेवाड़ी स्थित 52 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। कामोठे सेक्टर 20 सुदर्शन सोसाइटी स्थित 34 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। पनवेल सावरकर चौक श्री बल्लाड़ेश्वर सोसाइटी स्थित 35 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। कलम्बोली सेक्टर 11 वास्तु शांति टावर स्थित एक ही परिवार के 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। खारघर सेक्टर 13 हावरी टायरा कॉम्प्लेक्स स्थित एक ही परिवार के 6 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। कलम्बोली सेक्टर 5 मयूरेश सोसाइटी बिल्डिंग नंबर 32 स्थित एक ही परिवार के 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। पनवेल श्री सहयोग सोसाइटी स्थित 59 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है। न्यू पनवेल पंचशील नगर रूम नंबर 64 स्थित 28 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। पनवेल मार्केट यार्ड स्थित एक ही परिवार के 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। खारघर सेक्टर 7 आम आर्केड सोसाइटी स्थित 62 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है। कामोठे सेक्टर 36 सूरज कॉम्प्लेक्स स्थित 55 वर्षीय एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। पनवेल मंगल मूर्ति कृपा महाराणा प्रताप रोड स्थित 30 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। पनवेल तिलक रोड सदाशिव अपार्टमेंट स्थित 26 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। पनवेल MCCH विमल प्रभा सोसाइटी स्थित 51 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है। कामोठे सेक्टर 18 JJ स्मृति सोसाइटी स्थित एक ही परिवार के 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। पनवेल शिवाजी नगर झोपड़पट्टी स्थित एक ही परिवार के 9 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। कलम्बोली सेक्टर 4 गुरुविला सोसाइटी स्थित 9 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है। कलम्बोली सेक्टर 1 KL6 हाईवे दर्शन सोसाइटी स्थित 45 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। खांदा कॉलोनी प्लॉट क्रमांक 5 ओमकार अपार्टमेंट स्थित 38 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। तलोजा डोंगरीसा पाड़ा लहूशेट चौल स्थित 40 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। खांदा कॉलोनी सेक्टर 10 नील आर्केड सोसाइटी स्थित 50 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं।
पनवेल तक का ईडन गार्डन सोसाइटी स्थित 55 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। खारगर ओवेपेट गाँव देवी मंदिर के पास 50 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। कलम्बोली खेड़ुपाड़ा प्लॉट क्रमांक 1546 स्थित 25 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे, जिनका निधन हो गया है। नोड निहायत तौर पर नेगेटिव मरीजों की संख्या पनवेल 4, खारघर 15, कामोठे 6, न्यू पनवेल 5, कलम्बोली 1, तलोजा 1। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।